हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल देवोरिमस क्रिएशन। आई होप आप लोगों को मेरा पार्ट वन ऑफ हिमाचल सीरीज अच्छा लगा होगा। मेरे आज के इस व्लॉग में आप लोग देखने वाले हो हिमाचल सीरीज का पार्ट टू, यानी कि शिमला मैल एंड शिमला कालीबाड़ी। आप लोग भी अगर प्लानिंग कर रहे हो हिमाचल प्रदेश जाने का, तो मेरा ये पूरा हिमाचल का सीरीज व्लॉग जरूर देखिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो में कुछ भी पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना, और अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आज है 24 नवंबर और हम लोग अभी शिमला में हैं। हम लोग सुबह आए जैसा आप लोगों ने देखा, और यहाँ पे जो नज़ारा है अभी मेरे सामने बहुत ही सुंदर नज़ारा है। अभी ऑलमोस्ट सनसेट हो ही गया है, दिखा देती हूँ। अभी कुछ देर पहले ही सनसेट हुआ और अभी 5:30 के आसपास बज रहा है यहाँ पे, और सनसेट पूरा हो चुका है। और ये रहा ये हम लोग का होटल, होटल राशिक। शिमला मेल रोड की तरफ जाएंगे हम लोग। ये रहा गाड़ी, हम लोग अभी इसी गाड़ी से जाएंगे क्योंकि थोड़ा ऊंचाई है और मेरा नेफ्यू भी है, तो इसलिए वॉक करके नहीं जाएंगे। अभी हम लोग गाड़ी से आए होटल से यहाँ लिफ्ट के तरफ। यहाँ पे लिफ्ट का फैसिलिटी है और लिफ्ट से हम लोग जो मेल रोड है वहाँ ऊपर जाएंगे, और उसके लिए टिकट भी लेना पड़ता है। जो सीनियर सिटीज़न है, अगर सीनियर सिटीज़न फैसिलिटी आप लेना चाहते हो तो उसके लिए 7 रुपीज़ और बाकियों के लिए 10 रुपीज़ करके, और चिल्ड्रन अबव 3 ईयर्स उसके लिए भी 7 रुपीज़। तो मैंने टिकट ले लिया और हम लोग अभी लाइन पे खड़े हैं और ये लिफ्ट आएगा और हम लोग लिफ्ट से ऊपर जाएंगे। लोग नीचे भी आ रहा है। दूसरे साइड से ओपन हो रहा है लिफ्ट का दरवाजा। ये हम लोग कॉरिडोर से जा रहे हैं शिमला मेल रोड के साइड। ये सेकंड लिफ्ट है, अभी सेकंड लिफ्ट से जाएंगे। जिसको नीचे जाना है वो लोग ये जो 3 और 4 वाला लिफ्ट है उसमें से नीचे जा सकते हैं, और जो ये वाला बड़ा लिफ्ट है उसमें से हम लोग ऊपर जाएंगे। यहाँ पे डायरेक्शन दिया हुआ है, राइट साइड में मेल रोड है। थोड़ा थोड़ा हवा भी चल रहा है इसलिए और ज़्यादा ठंड लग रहा है। अभी टेम्परेचर है 12 डिग्री सेल्सियस, काफ़ी ठंड है। यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हो आप लोग। यहाँ पे वैरायटीज है वुलन क्लोथ, अगर शॉपिंग करना हो तो आप लोग यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे मिठाई का दुकान है और स्नैक्स वगैरह, समोसा, कचौड़ी, ये सब भी मिल रहा है। दुकान का नाम है नलिनी। यहाँ पे शिमला मेल रोड पे पूरा मार्केट है। ये यहाँ पे आप लोग चाहो तो शॉपिंग कर सकते हो, विंटर क्लोथ्स अगर खरीदना हो बहुत सारा ऑप्शन भी मिलेगा। पूरा स्टीफ हो गया है, उसको बैग में ले लिया गया है, पूरा स्टीफ हो गया है। अभी तक
गारमेंट्स का तो बहुत सारा दुकान है यहाँ पे। हाँ, बैठने का जगह हर जगह पे है यहाँ पे। इस साइड में भी बैठने का जगह है और थोड़ा ऊपर भी है। और यहाँ पे पब्लिक कन्वीनियंस के लिए लेडीज टॉयलेट भी है, लेडीज और जेंट्स दोनों ही है। यहाँ पे हर एक शॉप है इस लेन पे, तो पूरा मतलब ब्रांडेड से लेकर सब कुछ। मैंने एक भी नहीं देखा कि एक भी ब्रांड कोई नहीं है यहाँ पे। बहुत सारा शॉप है यहाँ पे। ये पूरा एक स्कूल है शिमला महल के ऊपर। ये स्कूल है और स्कूल के साइड में एक सीढ़ी था। यहाँ से हम लोग, ये शॉर्टकट है, यहाँ से हम लोग ऊपर आ गए शिमला महल में। ऊपर से पूरा सिटी दिख रहा है इधर से। क्विक बाइट काउंटर करके यहाँ पे एक शॉप है। यहाँ से दीदी और जीजा जी गोलगप्पे खा रहे, 6 गोलगप्पे 50 रुपीज का। और यहाँ पे स्वीट कॉर्न भी मिल रहा है, तो मुझे स्वीट कॉर्न खाना है। मैं स्वीट कॉर्न ले रही हूँ, इसीलिए स्वीट कॉर्न एक जो कप में आता है वो 60 रुपीज का कप है, तो खा के देखते हैं कैसा है। मैं भी टेस्ट करके देख लेती हूँ। शिमला में इतना ठंड में हम लोग गोलगप्पे खा रहे हैं, इसका मजा ही और है। ऑब्वियसली गोलगप्पा डजन टेस्ट है कोलकाता, बट इसका भी एक अलग टेस्ट है और बहुत ही अच्छा टेस्ट है। आप लोग ट्राई कर सकते हो। ये रहा स्वीट कॉर्न, इसमें चाट मसाला, लाइम और सॉल्ट है। कैसा लग रहा है, टेस्ट कैसा है? अच्छा है। और गरम गरम भी है, इसलिए ठंड में ना ये गरम गरम अच्छा लग रहा है। क्या तुम ना खाओ? खट्टा मीठा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। गरम भी है और इतने ठंड में ना कुछ भी अगर गरम खाना हो तो बहुत अच्छा लगता है। अब महल के ऊपर एक चर्च है और यहाँ पे चाय कॉफी और कुछ छोटा मोटा स्नैक्स भी मिल जाएगा आप लोगों को। अगर खाना है तो यहाँ से खा सकते हो। ऊपर में बहुत ज़्यादा वैरायटी तो नहीं है, पर थोड़ा बहुत मिल जाएगा। इंडियन फ्लैग भी लगा हुआ है यहाँ पे एक। ठंड में पूरा स्टीफ हो गया है। यहाँ लोबे नगर के एक शॉप है, हम लोग यहाँ से चाय और कॉफी पी रहे हैं। क्या है ये, चाय या कॉफी? चाय। ठंड में तो दिस इज मस्ट, चाय इज मस्ट। मजा आ गया। वहाँ पे जो चर्च है और उसके पीछे जो ये जो स्टैचू दिख रहा है ना, ये एक्चुअली जाकू टेम्पल है। हम लोग शायद कल वहाँ पे जाएंगे। अभी यहाँ पे शिमला महल में बैठने का बहुत जगह है, तो यहाँ पे पूरा सिटी का व्यू मिलता है देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। हर एक घर में लाइट्स ऑन है और ऊपर से बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा नाइट व्यू पूरा सिटी का।
अभी 8 बज रहा है और हम लोग अभी नीचे जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ डिनर कर लेंगे, देखते हैं कौन से होटल में क्या मिलता है, कुछ डिनर करके फिर होटल चले जाएंगे। ये जो है ये एमेचर ड्रामेटिक क्लब है शिमला का। यहाँ पे बच्चों के लिए स्ट्रोलर्स भी मिलता है, अगर आप लोग चाहो बच्चे लेके आ रहे हो तो यहाँ पे स्ट्रोलर्स भी रेंट ले सकते हो। हम लोगों ने स्ट्रोलर नहीं लिया क्योंकि मेरा नेफ्यू है, उसको स्ट्रोलर में बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वो पापा के साथ ही रहना ज़्यादा पसंद करता है, इसीलिए हम लोगों ने स्ट्रोलर नहीं लिए। शाम को अभी 8 बज चुका है और हम लोग शिमला कालीबाड़ी आए हैं। यहाँ पे बहुत ही पुराना एक काली माँ का मंदिर है, वहीं पे आए हैं और यहाँ पे गेस्ट हाउस भी है, तो गेस्ट हाउस बुकिंग करने के लिए पहले से बुक करना पड़ता है। यहाँ पे इसके पीछे गेस्ट हाउस भी है। ये काली माँ का मंदिर है, बहुत सुंदर आइडल है। यहाँ पीछे पूरा शिमला सिटी का पूरा व्यू दिख रहा है और ये पहाड़ों के ऊपर ये काली मंदिर है। ये मंदिर बहुत पुराना है और बहुत सुंदर भी है, आप लोग चाहो तो आ सकते हो यहाँ पे। बहुत सुंदर मंदिर के लेफ्ट साइड में ये जो छोटा सा मंदिर है ये बाबा का मंदिर है, ये अभी बंद है। आप लोगों को अगर मंदिर आना है तो आप लोग वॉक करके आ सकते हो, थोड़ा मेरे हिसाब से दिस इज अ मस्ट विजिट, आप लोग आ सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे मंदिर के पीछे एक गेस्ट हाउस भी है और यहाँ पे अफोर्डेबल प्राइस में आपको रूम भी मिल जाएगा। और मेरे हिसाब से मैंने सितंबर में जब मेरे मम्मी पापा आए थे तब वो लोग यहीं पे रुके थे ना, और प्राइस रेंट रूम का रेंट था ऐसा 450 के आसपास ऐसा रेंट था। तो जिनको अफोर्डेबल प्राइस में शिमला में अगर रूम चाहिए तो आप लोग पहले से बुकिंग कर सकते हो यहाँ पे। और एक कॉन्टैक्ट नंबर भी है जो कि आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा गूगल पर, तो वहाँ से आप लोग कॉन्टैक्ट करके ये बुकिंग कर सकते हो यहाँ पे। हम लोग होटल पहुंच गए, होटल सामने ही है, हम लोग अंदर से एक शॉर्टकट सीढ़ी था उधर से चढ़ के हम लोग आ गए। हम लोग जाने के टाइम तो लिफ्ट से गए थे, आने के टाइम लिफ्ट से नहीं आए, सीढ़ी था, आने के टाइम उतना प्रॉब्लम नहीं होता है चलने में, जाने के टाइम चढ़ाई पे चढ़ना पड़ता है, इसलिए लिफ्ट बहुत ही ज़रूरी है सबके लिए। होटल के पास में एक जायका बोल के रेस्टोरेंट है, इंडियन चाइनीज तंदूर यहाँ पे मिलता है ब्रेकफास्ट लंच और डिनर। हम लोग अभी वहीं पे जा रहे हैं डिनर करने के लिए। ये सीढ़ी से नीचे जाना पड़ रहा है, देखते हैं यहाँ पे कैसा खाना मिलता है। जायका में हम लोग तंदूरी रोटी और मूट मखनी ऑर्डर किए हैं, अभी हम लोग खा रहे हैं। इसका टेस्ट मैंने देखा, टेस्ट अच्छा ही है, खाना अच्छा है, इसका टेस्ट अच्छा है। आप लोग अगर यहाँ पे इस आसपास में होटल में अगर आप लोग रुकते हो यहाँ आके तो आप लोग
अमेरिका में आ सकते हो। टेस्ट अच्छा है खाने का, आप लोग तो यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। खाना ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों ही यहाँ पे मिल जाएगा आप लोगों को। हम लोग जायका में खा लिए डिनर और अभी वापस होटल जा रहे हैं।